अस्सलाम वालेकुम फैजीज फूड शो में आप सबको वेलकम कहती हूँ। ये मूलियाँ तो इसके हम बनाएंगे पराठे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने तीन मूलियाँ ली हैं, तो ये देखिए मेरे बेटे ने इसको तोड़ दिया, तो हम यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, मूलियों का हमने वॉश कर लिया है, तो वॉश करके जो ये थोड़ी सी मोटी है इसको हम यहाँ से इसके पीस कर लेंगे। ये अलावा मुझे ज़रूरत है हरी मिर्चों की, ये हम यूज़ करेंगे टेस्ट के लिए। हरा धनिया चाहिए होगा, इसके साथ हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे, जिसमें मैंने लिया थोड़ी सी खुश्क मेथी आपके सामने है, तो जिसको हम कसूरी मेथी कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा मैंने सॉल्ट लिया टेस्ट के मुताबिक, आप भी लें यूज़ करेंगे। साथ में ये सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें जो गरम मसाले में डालते हैं वो यूज़ किया, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने अनारदाना। इसके अलावा मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, तो वो भी हम साथ में रख लेते हैं। तो ये देखें जी, गरम मसाला भी मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून ले लिया है। अब ये सारे मसाले, ये अनारदाना काफ़ी सख्त होते हैं दाने इसके, तो इसको मैं थोड़ा सा चॉपर में इसको बारीक पीसूंगी साथ में ये मसाले भी, ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। हरी मिर्चों को या तो आप चॉप कर लें या इनका पेस्ट बना लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, तो इस तरह से कर लेंगे। तो अब अब हम मसाला मिक्स करेंगे, तो मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून मसाला लिया, बाकी मैं बचा के रखूँगी, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो ये मसाला मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे पराठा इंशाल्लाह अल्लाह का नाम शुरू करके। तो सबसे पहले हम दो छोटी छोटी गोलियाँ इस पराठे की ले लेते हैं, तो इसको ऐसे रोल कर लेंगे। देखिए तो जितने भी साइज में आपको रोल गोलियां चाहिए तो बना लें दो छोटी छोटी। तो ये मैं थोड़ी सी छोटी करूंगी, बड़े साइज की लग रही थी, फिर एक और बनाऊंगी। चाहे तो आप ये वाला बटर लगा लें मार्जरीन, चाहे तो आप इस तरह से ये वाला बटर जो फ्रेश बटर मिलता है ये वाला लगा लें, जो भी आपको पसंद हो या अवेलेबल हो तो आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपका पराठा बनेगा मज़ेदार। तो मैं पहले ये माजरीन लगाऊंगी इस तरह से, अच्छी तरह से ऊपर। Yeah.